गाइस मैंने एक व्यक्ति का इंटरव्यू लिया है जो इसीलिए यहाँ पर नेटवर्क बहुत ज्यादा स्लो है। क्रिकेट खेल रहा है और हम भी खेलेंगे। अब पौधा पूरा खराब हो चुका है, ये सब पौधा पूरा ठीक हो चुका है। तो गाइस अभी क्रिकेट खेलने जा रहे हैं। गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू न्यू एपिसोड। गाइज तो गाइज आज बहुत ज़्यादा खतरनाक सीन हो गया। एंड गाइज सुबह सुबह भी हम लोग आए हैं वीडियो शूट करने के लिए, मेन चैनल का वीडियो शूट करने के लिए, क्योंकि मेन चैनल में मैंने पाँच दिन से मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया था किस टॉपिक पर अपलोड करना है, क्योंकि होली में गाँव आ गया था तो उस समय टाइम नहीं मिला, क्योंकि उस समय बहुत बिजी थे इस वजह से उस समय टाइम नहीं मिला वीडियो अपलोड करने का। तो अभी शूट करने के लिए आए हैं यहाँ पर बाहर तरफ, क्योंकि विलेज का टाउन विलेज है तो यहाँ पर बाहर ही शूट करना पड़ेगा, क्योंकि घर में शूट करने का उतना जगह नहीं है। उसके बाद अभी यहाँ पर सीन कुछ ऐसा कि हम लोग पूरा टीम के साथ आए थे यहाँ पर शूटिंग करने के लिए। साथ में जो ये भाई है, इनका भी एक चैनल है यूट्यूब चैनल, ये अपने चैनल पर काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर कंप्लीट कर चुके हैं। इनके साथ एक इंटरव्यू लिए हैं जो मेरा मेन चैनल पर आ जाएगा। इनके साथ एक इंटरव्यू लिए थे जो मेरा मेन चैनल पर अपलोड हो जाएगा, जो एडिटिंग करके मैं कल अपलोड कर दूंगा। और पूरा टीम इनका पूरा टीम है यहाँ पर, ये लोग पूरा इनका टीम है जो इनके हर वीडियो पर काम करते हैं, हर वीडियो पर इनके साथ रहते हैं। मतलब अगर इनका कोई भी इनका ना ब्लॉग चैनल है तो इनका ब्लॉग चैनल में शूट कोई करता है और साथ में एडिटिंग कोई भी करता है, और ये मतलब अपने ब्लॉग वीडियो में क्या बताते हैं सब कुछ ये करते हैं। तो इनका टीम पूरा इनके हेल्प करता है, क्योंकि अगर टीम नहीं रहेगा तो फिर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगा यूट्यूब चैनल खोलने में। और इनका एक इंटरव्यू वीडियो बन चुका है जिस पर मैं अभी जाके अपलोड कर दूंगा, मतलब कल अपलोड हो जाएगा एडिटिंग करने के बाद, और साथ में अभी एक और एक वीडियो अपलोड हो जाएगा। और यहाँ का सीन देखिए पूरा खतरनाक सीन, मतलब यहाँ पर खुला खुला में यहाँ पर ब्लॉग शूट हो रहा है, और साथ में मैंने एक दोस्त मेन चैनल का वीडियो भी शूट कर लिया है, क्योंकि टाइम नहीं मिलता, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होते रहता है इधर से उधर, और साथ में भागदौड़ी भी होते रहता है, तो इस वजह से टाइम नहीं मिलता, इसलिए मैंने दो वीडियो शूट कर लिया, एक इनका और एक पहले का मैंने वीडियो शूट कर लिया जिसमें एडिटिंग में कर चुका हूँ एक ठो, तो उसमें मैं अपलोड कर दूंगा घर जाके। अभी थोड़ी देर जाने के बाद मैं घर में जाके मेन चैनल का वीडियो एक ठो अपलोड कर दूंगा। और चेक दिस साउंड गाइस, यहाँ पर बड़ा खतरनाक सीन हो गया, क्योंकि इधर ना बहुत ज़्यादा धूप है, क्योंकि गाँव में बहुत ज़्यादा धूप होता है। शहर में जहाँ मैं रहता था रांची में, वहाँ पर तो कुछ धूप नहीं था, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम, वहाँ पर बहुत ज़्यादा घर ज़्यादा बड़ा बड़ा है ना, इसलिए वहाँ धूप नहीं था। एंड यहाँ पर पूरा धूप ही धूप है, वहाँ से पूरा इधर से इधर पूरा धूप है, और सुबह सुबह का टाइम पर बहुत ज़्यादा धूप हो चुका है। एंड चेक दिस साउंड, तो चलिए आप लोग को मिलते हैं, तो घर निकलते हैं। तो इनके साथ मेरा इंटरव्यू कम्प्लीट हो चुका है, ये पूरी टीम है इनके साथ, घूमते रहती है हमेशा पूरी टीम है, और साथ में इन लोग जो इन लोग के साथ क्रिकेट खेलते हैं उनका भी ब्लॉग बनता है, तो ये लोग क्रिकेट बैट साथ में लेके आए हुए हैं बॉल इनके पास। और चलिए अभी घर चलते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, दो वीडियो शूट कंप्लीट हो चुका है, तो चलिए घर चलते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। एंड गाइस फाइनली हम लोग घर आ चुके हैं, एंड अभी नहा धो के रेडी हो चुके हैं, क्योंकि अभी कुछ देर बाद यहीं पर घूमने जाने वाले हैं शायद सोचें, उसके बाद अभी नहा धो के रेडी हो चुके हैं, क्योंकि अभी तक मेरा कोई कन्फर्मेशन नहीं आया है, क्योंकि अगर मैं कहीं घूमने जाऊँगा तो मुझे कन्फर्मेशन चाहिए, क्योंकि अभी मैं एक यूट्यूबर बन चुका हूँ जिसके वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। यूट्यूबर बनने से अब मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं रही, क्योंकि अब मैं यूट्यूबर बन चुका हूँ, अब मैं यूट्यूबर हूँ, तो अब मैं यूट्यूब से हर रिलेटेड कुछ काम करूँगा। एंड चेक दिस साउंड गाइस, यहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप हो चुका है, इस बार गांव तरफ बहुत ज़्यादा धूप होता है। एंड गाइस देख सकते हैं यहाँ पर तो फूल है, बाकी बात यहाँ पर भी फूल है, क्योंकि यहाँ पर जो फूल थे ना वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका है, क्योंकि उनको ना देखिए इस तरह हो गया था फूल, इस तरह पूरा ख़राब हो जाने के कारण इसको अब ऐसे ही रख देते हैं। उसके बाद ये फूल अभी ठीक हो चुका है, पहले ये भी पूरा ख़राब हो चुका था, उसके बाद फिर धीरे धीरे ये भी ठीक हो चुका है। एंड ये फूल कांटेदार है तो इसमें कांटा होता है, इसलिए घर में कोशिश ना करें छूने का। एंड ये भी फूल ठीक हो चुका है। एंड आई थिंक गाइस ये फूल भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका है, देखिए अभी भी इसका फूल काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका है, इधर भी जो डहनी है वो पूरा सूख चुका है, एंड पत्ता भी सूख चुका है, लेकिन साइड में जो अंदर का है ना वो अभी तक सूखा नहीं है, इधर का साइड का ठीक है और इधर साइड पूरा सूख चुका है। एंड ये भी ठीक है, इसको ना कहीं भी किसी का कांटा कर जाता है तो इसको लगाया जाता है, ये भी एकदम क्लियर है, इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड ये एक अच्छा फूल है, क्योंकि यहाँ पर भी एक फूल लगता है, एंड यहाँ पर चेक दिस साउंड, एंड ये वाला एक जो पूजा करते हैं वो वाला फूल है। एंड गाइस मैंने पहले ही बोला था यूट्यूब पर ग्रो करने के लिए आप लोगों को मेरा मेन चैनल होगा जिसमें जाके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो वीडियो पसंद तो लाइक करना, एंड जो मेरा चैनल है लिंक डिस्क्रिप्शन में। एंड आई थिंक गाइस काफ़ी ज़्यादा धूप होने के कारण देख सकते हैं कितना ज़्यादा धूप हो चुका है। एंड गाइस मैंने पहले ही बोला था अगर यूट्यूब पर ग्रो करना है तो आप लोग को खून पसीना एक करके मेहनत करना होगा। एंड आई थिंक ये जगह पहले नहीं था तो अभी ये बन चुका है, क्योंकि अभी तक तो मैं रांची में था ना, उसके बाद रांची से आने के बाद मुझे क्योंकि रांची में तो उतना पता नहीं था। एंड धीरे धीरे ये घर पूरा बड़ा हो चुका है, मतलब जो इनके ओनर है उन्होंने ये घर पूरा बना लिया है। एंड अभी यहाँ पर जो डिसेंट में बहुत पहले टूट चुका था लेकिन अब ठीक हो चुका है। एंड
यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन स्ट्रगल करने के बाद धीरे धीरे सब ठीक हो गया। एंड यहाँ से कुछ ऐसा व्यू आ रहा है बाहर का, जो मैंने काफ़ी हर वीडियो में मैं बताता रहता हूँ, वो रहा मेरा मेन गेट। उसके बाद यहाँ से पूरा फुल डिटेल्स है, उसके बाद मैं काफ़ी ज़्यादा हर वीडियो में बताते रहता अपना होम टूर, ये सब कमेंट्स आता रहता है तो उसमें मैं बताते रहता। अगर होम टूर देखना है तो सब पहले चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, तभी मैं अपना होम टूर पूरा देने वाला हूँ। और जिस पर भी इस वीडियो पर, अगर इस वीडियो पर आप लोग 20 लाइक कंप्लीट कर देते हैं ना, तो मैं अपना होम टूर का वीडियो कंप्लीट ला दूंगा। एंड चेक दिस आउट गाइस, उधर तो मैंने दिखाया ही नहीं, उधर पूरा, उधर साइड में पूरा जंगल है, क्योंकि अगर उधर जंगल है और इधर जंगल के बीच में गांव में हम लोग रहते हैं, उसके बाद इधर पूरा, इधर का साइड पूरा जंगल ही जंगल है। एंड चेक दिस आउट गाइस, इधर पूरा जंगल है, मैंने हर वीडियो में या फिर हर ब्लॉग्स में मैं बताते रहता हूँ, इधर पूरा जंगल ही जंगल है, और साथ में उधर और ज़्यादा जंगल है, उधर भी जंगल है, उधर और इधर खेत बाड़ी भी है, मतलब उधर धान बोया जाता है, उस उधर और इधर बारी भी है, यहाँ पर सब्जी उगाया जाता है। एंड चैत्र साइड वहाँ पर जो देख सकते हैं गाइस, ये दोनों पौधे कितना ज़्यादा, मतलब पंछी कितना ज़्यादा प्रॉब्लम में हो चुका है, धूप के वजह से इन लोग को ठीक से पानी नहीं मिल पा रहा है। चैत साइड गाइस, ये होता है एक भैलवा, जो अभी के टाइम पर बहुत ज़्यादा फेमस है, हम लोग गांव तरफ फेमस होता है ये सब, शहर में तो ये सब कहाँ कुछ नहीं होता है शहर में, और गाँव में ये सब ज़्यादा फेमस होता है, एंड शहर में ये सब कुछ नहीं होता है। और चेक दिस आउट गाइस, हम लोग या फिर कुछ दिन बाद फिर गांव चल जाएंगे, एंड फिर ये नज़ारा नहीं देखने को मिलेगा। तो आज ही मैं ये ब्लॉग में पूरा डिटेल के साथ अपलोड कर दे रहा हूँ, क्योंकि मैं भी ब्लॉग देखूंगा तो अपना घर का नज़ारा भी तो देख पाऊँगा। एंड चलिए मिलते हैं। और गाइस, मैंने पहले ही बोला था, अगर जिसको मेरा मेन चैनल नहीं पता है तो मेन चैनल को लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिएगा। और गाइस देख सकते हैं कितना ज़्यादा, मतलब ये दोनों लड़ रहा है अभी इस समय। एंड गाइस, मैंने पहले ही बोला था, अगर यूट्यूब पर ग्रो करना है ना तो मेहनत करना होगा उसके बाद फिर। एंड बहुत ज़्यादा फूल पौधा वहाँ पर, कोई भी मतलब पौधा का ना ठीक से इस्तेमाल करना जानना चाहिए, पौधा जंगल में तो पौधा अपने आप उगता है, तो वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड सिचुएशन ऐसा हो चुका है ना, सिचुएशन के कारण अभी के टाइम पर मैं डेली ब्लॉग नहीं कर पाता हूँ, लेकिन अब से मैं डेली ब्लॉग करने का प्रयास ऑल टोटल करूँगा। एंड तो आप लोग को ना मैं ऑल टोटल प्रयास करूँगा डेली ब्लॉग करने का। तो गाइस, यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो चुका है कि यहाँ पर जो मेरा नेटवर्क है बहुत ज़्यादा स्लो है, जिसकी वजह से मैं अपना मेन चैनल पर भी वीडियो अपलोड पाँच छः दिन से नहीं कर पाया, और मेरा ब्लॉग चैनल का भी मैंने वीडियो ठीक से अपलोड नहीं कर पाया, क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क ठीक नहीं है। इसी कारण की वजह से मेरा ब्लॉग बहुत बार लेट हो रहा है, क्योंकि मैं अभी गाँव में हो चुका हूँ ना, और गाँव में थोड़ा सा नेटवर्क का यहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो चुका है, इसी वजह से यहाँ पर नेटवर्क पूरा क्लियर नहीं आता है। मैं पहले ही बताता हूँ, यहाँ पर गाँव में ना नेटवर्क उतना बहुत ज़्यादा स्लो है, क्योंकि रांची में बहुत ज़्यादा फास्ट है, इसलिए मेरा वीडियो अपलोड हो जाता था। यहाँ गाँव में ना बहुत ज़्यादा नेटवर्क स्लो है, इसी वजह से मेरा वीडियो अपलोड नहीं हो रहा है, और बहुत ज़्यादा MB का होता है ना, इसी वजह से मेरा वीडियो अपलोड नहीं हो रहा है। तो आप लोग समझिए होंगे, क्योंकि मेरा वीडियो जो मेरा ब्लॉग है वो डेली अपलोड नहीं हो पाता है। एंड यहाँ पर जो बिल्डिंग खड़ा हो गया, उसके बाद यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बिल्डिंग्स और खड़ा हो रहा है, और यहाँ पर पूरा जंगल का इलाका है ना, इसी वजह से पूरा यहाँ पर लेट होता है, क्योंकि अगर वीडियो अपलोड करना है तो यहाँ पर वेट करना पड़ता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर नेटवर्क स्लो है। और यहाँ पर ना नेटवर्क स्लो होने का कारण है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जंगल है, इसी वजह से यहाँ पर नेटवर्क बहुत ज़्यादा स्लो, और यहाँ पर टावर भी नहीं है, टावर है तो बहुत ज़्यादा दूर है, उधर साइड यहाँ पर कोई आसपास में कोई टावर नहीं है, इसी वजह से यहाँ पर नेटवर्क का बहुत ज़्यादा इश्यू हो चुका है। तो आप लोग समझ गए होंगे। गाइस, अभी क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, पूरा टीम यहाँ पर क्रिकेट खेल रहा है और हम भी खेलेंगे अब। तो गाइस, अभी घर आ चुके हैं क्रिकेट खेल के, एंड इस वीडियो को, इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, और मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में। टेक केयर सबको, बाय।